व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुदांद के फजल व करम से खैरियत से होंगे। आज मैं एक बार आपके सामने फिर हाजिर हुई हूँ एक नई और मज़ेदार रेसिपी लेकर। आज मैं बनाने लगी थी मटन और गोभी, तो आज ये नए तरीके से बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि मटन में मैंने क्या क्या डालना है। मटन में मैं डालूँगी ये 2 से 3 प्याज हैं, 3 टमाटर हैं, अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है, बाकी ये अदरक लहसुन मैं इसमें मैंने पानी डाल दिया था और यही पानी में हम इस गोश्त को बनाएंगे। जी तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम कुकर में इसमें मैंने अदरक और लहसुन पीसा था, यही वाला मैंने पानी इसमें डाल दिया। उसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन, उसके बाद आपने डालना है टमाटर, ये आपने मोटा मोटा करके डाल देना है, ये देखें। इसमें हम दही भी ऐड करेंगे, लेकिन जब भूनने लगेंगे तब मैं इसमें दही भी डालूंगी और मसाले भी डालूंगी। अभी हम गोश्त को सिर्फ पानी और मसालों के साथ इसको गला लेंगे। ये मटन है, मटन जो है जल्दी गल जाता है, इसलिए हम इसको 20 मिनट के लिए कुकर में रखेंगे और 20 मिनट जब इसका वेट हिलेगा तब स्टार्ट होगा। ये हमने ये प्याज भी इसमें ऐड कर लिए, ये आज बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग बनने लगा है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मैं अपने घर में जो भी बनाऊंगी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, तो ये मैं सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, अब हम कुकर को बंद कर देंगे और 20 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। 20 मिनट तब पूरे होंगे जब हम लोग जब वेट हिलेगा। तो चलें अब कुकर बंद करके 20 मिनट का इंतज़ार करते हैं और साथ ही अपनी गोभी काट लेते हैं। आज मैं आपको गोभी काटने का भी तरीका बताती हूँ। तो व्यूअर्स, ये देखें, आपने ये फूलों को छोटा नहीं करना, इसी तरह बड़े रखने हैं और इनको अंदर से आपने चेक कर लेना है कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। लेकिन ये माशाल्लाह से गोभी बहुत प्यारी है। इसी तरह हम बाकी पीस भी करेंगे। ये देखें, ये देखें, आपने इसको बारीक नहीं काटना। आज हम पूरे बड़े फूल रखेंगे, इसी तरह हम इसको मटन में डालेंगे। तो इसी तरह ये बाकी भी आपने यूँ करते जाना है, ये देखें, और बाकी के भी हम इसी तरह ही काटेंगे। बस ये देखें, वेट हिलना शुरू हो गया। अब हमारे 20 मिनट हो गए हैं स्टार्ट। 20 मिनट के बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे और गोभी ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें आप, मटन हमारा गल चुका है। अब मैंने इसको पैन में डाल लिया है। अब हम इसमें ऑयल डाल के इसको भून लेंगे और ये जो सारे मसाले इसमें डालने हैं, ये देखें, ये कड़ी पत्ता मैंने इसलिए डाला है, इससे खुशबू बहुत अच्छी होती है और बड़ा अच्छा लगता है ये। और ये मैंने गोभी के फूल हैं, ये मैंने इतने बड़े बड़े काटे हैं, आपने भी इतने बड़े ही लेने हैं। और इसको अच्छी तरह से अंदर से चेक कर लेना है कि अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, और अच्छी तरह से इसको वॉश करना है आपने। और ये मैंने धनिया बारीक काट लिया है। हरी मिर्ची आज मैंने नहीं काटी, हरी मिर्ची मैं ऐसे पूरी ही डालूँगी क्योंकि अच्छी और खूबसूरत लगती है। अभी हम इसमें दही डालेंगे और ये मटन का जो मैंने पानी निकाला है इसको हम बाद में इसके ऊपर ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसमें दही डाल के, ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जी तो ये देखें, ये देखें, आप मसाला प्याज टमाटर अदरक लहसुन बिल्कुल इसमें घुल चुका है और माशाल्लाह से ये देखें मटन कितना प्यारा लग रहा है और ये गल चुका है। अब हम इसमें ये सारे मसाले ऐड करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। आज मैंने थोड़ी ये तीखी रखी है क्योंकि गोभी तीखी ही मज़े की लगती है। अब आपने इसको अच्छी तरह से पहले इसमें भून लेना है, उसके बाद आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल भी आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं।
अब इसको आपने अच्छी तरह भून लेना, तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और देखें माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना। ये मटन हमारा ऑलमोस्ट जो है ये भून चुका है, बड़ी अच्छी खुशबू, और माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी शक्ल इसकी लग रही है माशाल्लाह से। खाना कोई सा भी आप बनाएं तो मज़ेदार और अच्छा ही लगता है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। ये खाने के चमचे आपने लेने हैं बड़े, 2 से 3 डाल लेने हैं। गर्मी इतनी है कि हमारा दही भी देखे दूध बनाओ। अब आपने इसको भी अच्छी तरह से, दही को भी गोश्त के अंदर अच्छी तरह से पका लेंगे। ये ऑलमोस्ट हमारा गोश्त जो है वो भून चुका है मटन। अब हम इसमें ये यखनी डाल देंगे जो मैंने निकाल के रखी थी। इसमें हम और पानी ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स आपने पानी और डालना है इसमें। ये बिल्कुल शोरबा बन गया है, ये देखें बिल्कुल थिक जो है ना वो शोरबा बन गया। अब हम गोभी को लेंगे और मटन के अंदर आपने भून रखना। ये बड़े बड़े फूल आपने भून रख दिए। इसी तरह आपने सारी गोभी को इसी तरह रखना है। आपने इसके किनारों पे रखना है, बड़े बड़े फूल को आपने किनारों पे रख देना। ये अच्छे तरीके से आपने किनारों पे रखना। अब ये जो छोटे फूल है अब आपने इनको दरमियान में रखना शुरू कर देना। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी, आपने ज़रूर देखनी है वीडियो मेरी, और मुझे फीडबैक भी देना है, अच्छा से कमेंट करने हैं। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। ये देखें अब ये जो बाकी गोभी है आपने इसको भी इसके अंदर अच्छे तरीके से ऐड कर देना, और ये बाकी बारीक है इसको आपने अब आपने 20 मिनट के लिए इसको ढक देना और आंच जो है आपने हल्की कर देनी। अभी 20 मिनट के बाद हम आपको खोल के दिखाएंगे। जी तो ये देखें तकरीबन इसको 10 मिनट हो गए थे, मैंने कहा हम इसको अच्छी तरह से देख लें और इसको हिला लें। जी तो ये देखें गोभी हमारी बिल्कुल रेडी हो रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार की खुशबू आ रही है। आपने इसको अच्छी तरह से हिला लेना। जी तो ये देखें गोभी बिल्कुल हमारी, गोभी और मटन बिल्कुल रेडी है। ये देखें फूल कितने माशाल्लाह से अच्छे लग रहे हैं। देखें ये देखें कभी आप इस तरह बना के देखें, मोस्टली लोग करते हैं बिल्कुल बारीक गोभी को कर देते हैं और भुली हुई बनाते हैं, मुझे उस तरह नहीं पसंद इसलिए मैंने ऐसे बनाई है। अब आपने इसके ऊपर धनिया ऐड कर देना। हरी मिर्ची आपने पूरी रखनी है। अब हम इसको दम के लिए रख देते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए, उसके बाद जो है हम लोग इसका इसको आपको सारा दिखाएंगे। ये देखें व्यूअर्स हमारा मटन और गोभी बिल्कुल रेडी है।
बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग बनी है। खुशबू से इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना। आपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक अपने कमेंट में मुझे आपने बताना है कि ये मैंने कैसा खाना बनाया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। खुदावंद आपके घर को, आपके खानों को, आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।